डायरेक्टर्स को बोलते रहे, हीरोज को बोलते रहे, भाई इसके साथ काम मत करो। मैं तब भी लड़ती गई छोटे छोटे जो नए नए हीरोज थे कल, क्योंकि आप भी कल नए आए थे और धीरे धीरे करके आप आज स्टार का नाम ओहदा लेके बैठे हैं, तो मैं और लोगों को तवज्जो देने लगी जो नए नए स्टार्स अब इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके साथ काम करने लगी, फीमेल बेस्ड फिल्म करने लगी, और साथ ही मेरा गाने का चलता रहा। अब क्या चीजें हो गई हैं, अब इनको लगा कि भाई कंपनीज में गाने रिलीज होते हैं, इनके भी होते हैं, मेरे भी होते हैं, कई बार कंपेयर करने लगे लोग कि अरे पवन सिंह से ज्यादा इसके व्यूज हो जाते हैं, पवन सिंह से ज्यादा चल रही है, मेरे गाने चलने लगे, तो उनको इरिटेशन होने लगा। तो अब ये क्या करने लगे कि इंटरनली अपने लोगों को, अपने चमचों को भेज भेज के कंपनीज में बोलने लगे कि भाई अक्षरा सिंह का गाना लोगे तो मैं फिल्म में प्रॉब्लम करूंगा, तो मैं गाने रिलीज नहीं होने दूंगा, तो मैं अपने गाने नहीं दूंगा, उटपटांग चीजें। अब इनका बस यहाँ पे चलने लगा, तो मैं भी कितने दिन चुप रहूंगी अगर मैं अब नहीं बोलूंगी। आप हर तरीके से, जब मैं अलग हुई इनसे, ये जान से मारने की धमकियां दिलवाने लगे, इनके भाई लोग जो थर्ड क्लास लोग हैं, एकदम नीचे स्तर के, आप बिलीव नहीं करोगे, वो सामने खड़े होने की हैसियत नहीं रखते हैं, वैसे लोग मुझे कॉल्स करने लगे, फेक कॉल्स कराने लगे, उसके बाद मेरे नाम पे गंदी गंदी गालियां नेट पे, आजकल तो सोशल साइट्स पे इजीली कुछ भी लिख दे आप पे कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो ऐसे करके लोग मेरा नाम उछालने लगे।